दोस्तों मंथ स्टार्ट बहुत ही अच्छी हुई है, टेलीग्राम पे जाके देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया लॉस रिकवरी के लिए तो जाके लॉस रिकवरी के लिए ज्वाइन कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज एक बड़ा चेंज हो चुका है और इसके बेनिफिट क्या होंगे, इससे कैसे आप देखिएगा अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को, ट्रेडिंग सेटअप को, ट्रेडिंग डायरेक्शन को कैसे डिसाइड कर सकते हैं मार्केट ओपन होने से पहले, और क्या क्या सप्लीमेंट आपको देखने को मिलेंगे ये मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और मैं कुछ ऐसे पार्ट भी बताऊंगा क्योंकि अभी देखिएगा एडजस्टमेंट काफ़ी होगा, ताकि आपको अलग अलग डोमेन में पता चल जाए कि गिफ्ट निफ्टी के आने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है। तो एक एक करके सबसे पहले तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं SGX निफ्टी का वजूद एकदम ख़त्म हो चुका है, वो एकदम डीलिस्ट हो चुका है। 3 तारीख हो चुकी है और आपको पता है कि अब एक बहुत बड़ा प्लेयर मार्केट में आ चुका है और ये प्लेयर इंडिया से डील होगा, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि जो भी डोमेस्टिक फैक्टर होंगे उस पर देखिएगा, कभी कभी क्या होता था SGX निफ्टी को असर नहीं पड़ता था क्योंकि वो सिंगापुर एक्सचेंज में क्या रहता था, लिस्टेड रहता था। अब लेकिन ये चीज़ आपको बहुत तेजी से चेंज होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको गिफ्ट निफ्टी, यहाँ पे आपको देखिएगा जो डेटा है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं टाइमिंग, आपको पहले मैं बता देता हूँ टाइमिंग में दोनों में चेंजेस क्या है, मैंने लगातार आपको बताया है लेकिन काफ़ी बड़ा चेंजेस है। आज पहले दिन हर साल देखिएगा आपको देखने को मिलेगा कि बाजार 21 घंटे तक आप ट्रैक कर सकते हो। बेस्ट पार्ट यही है कि अगर मार्केट क्लोज हो भी गया है और आप BTST की पोजीशन लेके गए हो, आप होल्डिंग की पोजीशन लेके गए हो, तो आप ये रात में पता कर सकते हो अच्छी तरीके से, इवन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पता कर सकते हो, नहीं तो रात के 2:30 बजे मार्केट में पता कर सकते हो कि आपका जो ट्रेड है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। आपको ओपनिंग पे बेच देना है कि आपको उसको होल्ड करना है। तो 21 घंटे गिफ्ट निफ्टी खुलेगा, SGX निफ्टी खुलता था 16 घंटे, तो आपको पता है कि एक कंटिनेंट को ये पूरी तरीके से ट्रैक नहीं करता था। अब ये जो 21 घंटे गिफ्ट निफ्टी खुलेगा ये एशिया को भी करेगा ट्रैक, अमेरिका को भी करेगा, यूरोप को भी करेगा, और आप देख सकते हैं जब तीनों जगह के आपको देखेगा ट्रेड्स मिल जाएंगे तो आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन भी जल्दी होंगे। अब बेसिकली क्या होता है, ये 2 सेशन में खुलेगा, ये 6:45 से देखिएगा खुलेगा कम से कम 3:40 के आसपास तक। तो ये चीज़ आपको काम करेगी मॉर्निंग में कि आप स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे करते हो, तो आप गिफ्ट निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी बैंक, गिफ्ट निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब में देखिएगा ट्रैकिंग करके प्रॉफिट बना सकते हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा चेंजेस आपको देखने को मिला है, डेरिवेटिव मार्केट में शिफ्टिंग हो चुकी है, बहुत पैसा बताया जा रहा आएगा, FIIs को बहुत बेनिफिट मिलेगा, इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा, रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर को देखिएगा काफ़ी बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा और उनके जो ट्रेडिंग सेटअप्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। क्या बताया जा रहा है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेटअप है वो केवल निफ्टी के लिए नहीं है, ये गिफ्ट निफ्टी बैंक के लिए भी है, IT के लिए भी है, फिन निफ्टी के लिए भी है, सबके लिए है। तो ये बेस्ट पार्ट रहा। अब अगर आप देखेंगे तो आपको सर्च क्या करना होगा, गिफ्ट निफ्टी। आप गिफ्ट निफ्टी को सर्च करते रहो डे में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, 21 घंटे तक देखिएगा आप इसको ट्रैक कर सकते हो और आप अपनी माइंडसेट को, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन कर सकते हो कि कल कैसी ओपनिंग होने वाली है और कल मुझे किस तरीके का ट्रेड प्लान करना है। तो आप ये सर्च करोगे, ये सर्च करते ही देखिएगा आपको देखने को मिलेगा ये सरफेस, और आप पूरी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से, मान लीजिए आपकी निफ्टी 19300 पे और यहाँ पे देखने को मिला है 19400, तो इसका मतलब गैप अप ओपनिंग बहुत पॉसिबल है। फिर अगर ये लो बन रहा है, यहाँ पे जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, यहाँ पे तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि हाँ उसी को निफ्टी फॉलो करेगा, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिलेगा उसको बाद में निफ्टी क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे अगर आप देखोगे तो कुछ इंडिकेटर यहाँ पे काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे जो सिग्नल के रूप में मिलते हैं। आप बहुत सारे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करते होंगे, तो आप बेसिकली देखिएगा आज भी अगर चेक करोगे तो यहाँ पे जैसे ही ये रेजिस्टेंस देखिएगा, पहले तो ये यहाँ पे 19300 280 के आसपास था,
तो जैसे ही 19,300-280 का लेवल देखिएगा टूटा था, उसके बाद अच्छा आपको स्कैल्प मिला था। रेजिस्टेंस कहाँ पे फील हुआ था, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है, ये भी देखिएगा चार्ट में जाके। यहाँ पे बात मत मत नहीं है, आप यहाँ पे देखिए जब 19,330 पे निफ्टी पहुँचा तो क्या प्रॉफिट बुकिंग आई थी? हाँ आई थी। जाके देखिए 10:30 पे, जाके देखिए 10:30 पे, ये चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती रहेंगी। और फिर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट भी पता चलते रहेंगे, कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। इससे कम से कम ओवरव्यू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखिएगा 5 मिनट का मूविंग एवरेज भी मिलेगा। ये ब्रेकआउट होता है तो कॉल बाय करिए, ये ब्रेकआउट होता है तो कॉल बाय करिए, ये ब्रेकडाउन होता है तो पुट बाय करिए। अगर ये देखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ है तो आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे इन द मनी का, और ऊपर की तरफ कॉल बाय करोगे। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर तरीके का हाई लो, 5 डेज एवरेज, लास्ट मंथ, ये सब चीज़ें ब्रेकआउट में अगर आती हैं तो आपको और भी ज़्यादा कॉशियस हो जाना है कि बड़े मोमेंटम आएंगे। जब बड़े मोमेंटम होंगे तो पीरियड के हिसाब से आपको चेक करना है, 1 मंथ, 5 डेज या फिर जिस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो। और बेस्ट पार्ट क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर इन्वॉल्व रहते हैं तो वो अपना व्यू दे देते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तो अर्ली इन द मॉर्निंग आप यहाँ पे वोटिंग करके चेक कर सकते हो कि आपका व्यू कैसा रहने वाला है। ये देखिए आज का व्यू ये था, और जब ये व्यू चेंज होगा तो उसी डायरेक्शन से मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको ट्रेड करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।